अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग कॉर्नर विद समरीन में मैं हाज़िर हूँ। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट ब्राउनी, जो बहुत ही मज़े की बनती है। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 4 अंडे चाहिए इसके लिए हमें रूम टेम्परेचर पे, तकरीबन 1 मक्खन की टिकिया चाहिए बड़ी वाली जो होती है, कोको पाउडर चाहिए हमें 1/2 कप, हमें मैदा चाहिए 1 कप, चॉकलेट हमें चाहिए, कुकिंग चॉकलेट है ये, मिल जाती है आराम से दुकान पे, किसी भी शॉप पे, ग्रॉसरी के शॉप पे मिल जाती है कुकिंग चॉकलेट। एक एक प्याली चाहिए हमें, यानी कि अब मैं टेबल स्पून में भी आपको बता दूँगी, 1 प्याली भर के मैंने ये ली है। चीनी हमें चाहिए 1 कप, ये है कॉफ़ी है, इसको कॉफ़ी को मैंने छन्नी में डाल के हाथों से चूरा कर लिया था। 1 टेबल स्पून हमें कॉफ़ी चाहिए, हमें 2 टेबल स्पून हमें ऑयल चाहिए वेजिटेबल ऑयल, 1.5 टेबल स्पून हमें बेकिंग पाउडर चाहिए और वनीला एसेंस चाहिए हमें 1 टेबल स्पून, 1 चुटकी हमें नमक चाहिए। 1 प्याली मैंने चॉकलेट चिप्स के लिए है, आपको जितना भी डालना हो आप उतना डाल सकते हैं। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं चॉकलेट ब्राउनी के और हम इसको पतीले में बनाएंगे। कोई भी आप पतीला ले लें जो आपके खाने में यूज़ नहीं होता, फालतू है बिल्कुल घर में, या कोई भी आप कढ़ाई ले लें, पतीला ले लें, कुछ भी ले लें, उसको मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया है। नीचे एक जाली रखनी है हमने और पतीले को हमने अच्छे से खूब गर्म कर लेना है अच्छे तरीके से। और चलें तो फिर आइए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने मक्खन लेना है, इसको हमने मेल्ट कर लेना है अच्छे से। एक फ्राई पैन ले लेंगे, उसमें हमने अपना बटर डाल दिया है। जैसे ही बटर हमारा मेल्ट होगा, आप कोई भी प्याली भी ले सकते हैं और कोई पतीली भी ले सकते हैं, और ये आँच हमने बिल्कुल लो मीडियम रखी हुई है। इस तरह जब ये हमारा बटर जो है बिल्कुल पिघल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो उसके बाद हमने जो है इसमें चॉकलेट डालनी है। और केक बन ये ब्राउनी बनाने से पहले सबसे पहले आपने यही काम करना है, पतीला चूल्हे पे रखना है। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो ओवन को प्री हीट कर लीजिएगा, और अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो सबसे पहले आपने पतीला ही गर्म करने रखना है। जितनी देर में हम ये सब चीज़ें तैयार करेंगे, पतीला हमारा खूब अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो ये हमारा जो बटर है, देखें मेल्ट होने लगा है, अच्छे से मेल्ट हो जाए। देखें बस बटर हमारा जो है मेल्ट हो गया है। अगर आप बटर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं, 1.5 प्याली, जिस तरह मैंने बटर लिया है। इसके बाद ये जो चॉकलेट है, कोकिंग चॉकलेट है ये, मैंने इसको क्रश करके रख लिया था, ये डाल देंगे सारी। अब इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर हमने इसको हमने बिल्कुल मेल्ट करना है, बिल्कुल भी इसमें जो है चॉकलेट के टुकड़े नज़र ना आए, बहुत अच्छे से हम इसको मेल्ट करेंगे। ये देखें बस तकरीबन हमारी चॉकलेट जो है वो अच्छे से पिघल गई है, ये देखें बिल्कुल भी इसमें आप चॉकलेट का दाना ना रहे, अच्छे से आपने इसको करना है। बस हम अब इतना हमारा होने के बाद हम इस फ्लेम को बंद करेंगे, इसको साइड पे रखना है, इसको हमने ना ठंडा करना है ना ज़्यादा गर्म, इसका नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने इसको अपने बैटर में डालना है, जो ब्राउनी का बैटर अब मैं तैयार करने जा रही हूँ। बस अंडे तोड़ लेंगे हम अपने, 4 अंडे हमने लिए थे, ये भी रूम टेम्परेचर पर लेंगे। मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसमें हम चीनी डालेंगे 1 प्याली, इसको भी मिक्स करेंगे। एक प्याली हमने ऑयल रखा हुआ था, छोटी प्याली तकरीबन 2 टेबल स्पून है, ये भी डाल देंगे। ये कॉफ़ी थी हमने जो मैंने आपको बताया, इसको हाथ से मसल के छन्नी में छान लें, ये भी डाल देंगे।
कॉफ़ी का जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आता है। ये वनीला एसेंस है, तकरीबन 1 टेबल स्पून में ही डालूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। चीनी बारीकी लीजिएगा ताकि जल्दी से आपका मिक्स हो जाए। मोटी चीनी मत लें, अगर चीनी आपके पास मोटी है तो उसको एक दफ़ा चॉपर में पीस लें। इसको इस तरह मिक्स करने के बाद हमने ये जो हमने चॉकलेट पिघला के रखी थी ये डाल देंगे इसमें। चॉकलेट हमने डाल दी है, इसको भी मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स करना है इसको। देखिए बस एक छन्नी लेंगे, इसमें हमने 1 कप मैदा रखा था ये डालेंगे, 1/2 कप कोको पाउडर है, 1 टीस्पून, 1 और 1/2 चाय का चम्मच हमने बेकिंग पाउडर डालना है, 1 चुटकी नमक डालना है हमने। इसको छानेंगे ऐसे इस तरह। देखिए बस ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको हमने स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है। ये पाउडर बिल्कुल भी नज़र ना आए, एक बैटर सा बन जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल भी ड्राई जो चीज़ें अभी हमने डाली हैं इसमें नज़र ना आए, अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा ये मिक्स हुआ है। अब हम इसको उस निकाल लेते हैं जिसमें हमने केक बनाना है। देखिए बस एक इस तरह का मैंने अपना शीशे का प्याला ले लिया है, अगर आप सांचे में बनाना चाहें उसमें भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 1 बूंद, इसको अच्छे से हमने ग्रीस करना है खूब अच्छे से। हाथ से साइड कर लेंगे। अब ये जो मिक्सचर है इसमें डालेंगे। सारा बैटर हमने इसमें डाल दिया है, स्पैचुला से इसको सेट कर देंगे। अब जो हमने ये चॉकलेट चिप्स रखे थे ये ऊपर से डालेंगे। चॉकलेट चिप्स हमने डाल के इसको हाथ से हल्के हल्के हमने प्रेस करना है ताकि ये अंदर तक चली जाए। बहुत आहिस्ता हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। देखें बस हमने जो अपना पतीला गरम करने रखा था ये बहुत अच्छे से गरम हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसको इसमें रख देंगे। इसको इसमें रख के और इसको ऊपर से ढकना ढक देंगे अच्छे से।
और आँच हमारी बहुत स्लो है, मैं आँच दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए हमारी आँच कितनी स्लो है। इसी आँच पे हमने इसको 30 से 40 मिनट तक अच्छे से पकाना है, फिर चेक करेंगे इसे हम। और इसके लिए अभी हम इसको बिल्कुल हल्की आँच पे छोड़ देंगे। बस तकरीबन 1 घंटा हो गया। 1 घंटे बाद मैंने इसको चूल्हा बंद कर दिया था। पतीला हमारा ठंडा हो गया है, अब इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपने इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद ये खुद ही आपका जो बटर पेपर है प्याले को छोड़ देगा। ये देखें इस तरह, इसको मैं कट करती हूँ। बहुत नरम, बिल्कुल सॉफ्ट बनी है और टेस्ट में तो बहुत ही मज़े की होती है ये। इसको कट कर लेंगे, साफ करेंगे टिश्यू से ताकि हम दूसरी जब काटें तो वो बिल्कुल सही क्लियर कटे। ये देखिए ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, बिल्कुल सॉफ्ट। देखिए इसकी सॉफ्टनेस देखें। हमारी जो है ब्राउनी तैयार है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी। मैं आपको दिखाती हूँ, देखें कितनी सॉफ्ट है ये, बिल्कुल नरम। ये देखें, अगर मेरी ये ब्राउनी की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।